प्यारी समझ गई। गाइस WWE में बहुत सारे मोमेंट्स ऑडियंस को दिखाया जाता है और उनमें से कुछ मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, और इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ ऐसी मोमेंट्स के बारे में जब मेल सुपरस्टार बहुत ही खतरनाक अटैक किया फीमेल सुपरस्टार के ऊपर और उनकी नानी पापा दादा सब लोगों की याद दिलाई। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। गाइस WWE की एक शो में हुआ था एक मैच ऐसा रियोज वर्सेस डीन मलिंगो के बीच, और उस मैच में रिटा आए थे ऐसा रियोज के साथ और मलिंगो के साथ आए थे एडी गरेरो जिनके एक हाथ टूटा हुआ था। लेकिन इस मैच में डीन मलिंगो ऐसा रियोज के ऊपर डोमिनेट किया और ये बात लिटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसलिए लिटा इस मैच इंटरफेयर किया डीन मलिंगो की फ्रेंड एडी गरेरो के ऊपर और रिंग सेट से जाम किया एडी के ऊपर, लेकिन शिकर खुद ही शिकर बन गई क्योंकि जब लिटा एडी को अटैक करने की कोशिश की तब एडी लिटा को दे मारा बहुत ही खतरनाक एक पावर बॉम्ब रिंग सेट पे, और इसकी इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। एक बार WWE की एक एपिसोड में हुआ था एक बहुत ही जबरदस्त ब्रॉल बहुत सारे मेल सुपरस्टार के बीच, कार्ट एंगल, ट्रिपल एच, टेस्ट और बाद में आए थे स्टेफिनी मैकमैन और ट्री स्टेटस। लेकिन इस फाइट के दौरान स्टेफिनी के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि उस समय ट्रिपल एच और कार्ट एंगल दोनों ही स्टेफिनी के पैर में पागल थे और इसीलिए इन दोनों के बीच एक फाइट देखने को मिला। लेकिन बहुत बार गलती से ट्रिपल एच अटैक किया स्टेफिनी मैकमैन के ऊपर, लेकिन इसके बाद कार्ट एंगल भी अटैक किया स्टेफिनी मैकमैन के ऊपर और रिंग साइड पे धक्का दिया और स्टेफिनी को रिंग से नीचे गिरा दिया। स्मैकडाउन की एक एपिसोड हुआ था एक मैच मैटरी वर्सेस द फिनम द डेड मैन द अंडरटेकर के बीच, और इस मैच रिंग साइड पर थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। लेकिन मैच में अंडरटेकर को डिस्टर्ब करने के लिए पॉल हेमन अंडरटेकर की बीवी के पास गए, और इसलिए अंडरटेकर इस मैच में डिस्ट्रैक्ट हो गए और मैच छोड़ के ही वाइफ को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन वह अचानक ब्रॉक लेसनर चेयर से अटैक किया अंडरटेकर के ऊपर, और इसके बाद अंडरटेकर की वाइफ को डराना चालू किया, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ब्रॉक कैसे डराया था और एक गंदी गालियां भी थी। गाइस एक बार स्मैकडाउन की एक एपिसोड में बिग शो और विकी गरेरो रिंग में एक प्रोमो कर रहे थे, तभी जायंट स्क्रीन पे दिखाया जाता है अंडरटेकर एक सुपरस्टार को अटैक कर रहे हैं, और ये मोमेंट देख के बिग शो विकी गरेरो को छोड़ के अंडरटेकर को अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और विकी के पीछे आए डेड मैन द अंडरटेकर। पहले विकी को बहुत डराया और उसके बाद दे दिया उनके फिनिशर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर। और गाइस ये तक तो कुछ मोमेंट जब फीमेल सुपरस्टार के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक किया गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।